पिछले चलो सरकार बढ़िया चल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सर चले चले बैठ आप लोग पीछे बात रखे बैठे अब जाइए आप लोग फोटोग्राफर जाए अब सर फोटो दादा बैठ जाइए ना प्लीज दादा अच्छा नहीं लगता है प्लीज आप ये सीनियर है दादा ये जीता नहीं यार बैठो बेटा बाबू प्लीज हमारे अब हमारे लीडर बैठे हैं बेटा इधर इधर बेटा वहां प्रेस में नहीं प्लीज बेटो इधर नहीं इधर मत आइएगा प्लीज गार्डन नहीं प्रेस के बीच में मत आइए मेरा नेताओं से आग्रह इस साइड आ जाए सभी पार्टी के नेताओं से आग्रह इस साइड आ जाए प्लीज प्रेस के लोग थोड़ा आपत्ति करते हैं कोरोना को लेकर के मेरा आग्रह मेरी बात तो इतना माने हम लोग थोड़ा बिहार से उठे ना भैया प्लीज मेरी बात माने अच्छा नहीं लगता भैया प्लीज वहां मत खड़े रहे मैं आदरणीय हमारे सीपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरफुद्दीन अहमद सर एस एन महमूद शरीफ सर तस्लीम रहमानी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर माधव रहमान जी और हमारे नेता जिन्होंने पता नहीं सभी लोग विश्वास करके एक आवाज संघर्षशील आवाज सर्वधर्म संभव के लिए सामाजिक न्याय की आवाज के रूप में हम सब यहाँ इकट्ठे हैं जो हमारे अजीज भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो विश्वास व्यक्त किया है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी के हमारे महासचिव एसडीपीआई के सफुद्दीन साहब बिहार लोक निर्माण दल के राजकुमार चौहान साहब मथन जी जो वामसेर बीएमपी पार्टी के अध्यक्ष हैं चार बात आज मैं कहूंगा ये जो आपने पीडीए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस ये जो आप सुन रहे होंगे बहुत लंबे वक्तों से एनडीए और यूपीए वह दो दल दो गठबंधन जो सत्ता सियासत कुर्सी नफरत और उन्माद के एक तरफ सांप्रदायिकता है तो दूसरी तरफ जातीयता है यह जो गठबंधन है यह मानवतावादी गठबंधन राजनीतिक शास्त्र कम समाज शास्त्र ज्यादा सबको ले चलने वाला कश्मीर से कन्याकुमारी मैं अपने राज में गहरी चिंता इस गठबंधन की जो है कि बिहार को कैसे बचाया जाए हमारे पार्टी के नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर अखलाक अहमद जी भी हमारे विधायक रामचंद्र बाबू जाट जी
रविंद्र पुष्पा जी, उमेर खान जी, सभी लोग और हमारे कोच साहब, कोऑर्डिनेटर, हमारे मंच पे तोमर साहब, लंबे समाज के अंतिम वर्गों के लिए काम करने की बड़ी भूमिका और सभी पार्टियों के यहाँ अध्यक्ष मौजूद हैं। मैं उनका, सभी पार्टियों के अध्यक्ष का अति सम्मान यहाँ पर है और वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद है। आप ये मत सोचिएगा कि ये गठबंधन अंतिम है। आपको सामने हो सकता है हम सब मिलकर एक बड़ा दिल, समुद्र से ज्यादा गहरा और हिमालय से ज्यादा ऊंचा। क्या बात। और हम सब की जो विचारधारा है वो विचारधारा इस पृथ्वी से ज्यादा चौड़ी है। हर परिस्थितियों में दो बार इस गठबंधन ने निर्णय लिया है और बातें आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपको हम दो दिन के अंदर, आज था एक गठबंधन जो बार बार यह हो रहा था कि बिहार बदलना चाहती है लेकिन कोई संकल्प के साथ विकल्प नहीं मिलता है। विकल्प है, एक नहीं बड़ा विकल्प है। हम अब खुद ही अपमानित हो रही है, कांग्रेस की आदत हो गई है अपमान होना। हमने कई बार कहा कि आइए स्वागत करेंगे। हमने लगातार नीतीश कुमार जी, आप किसको छोड़ते हैं? आपने उपेंद्र कुशवाहा को लात मार, आप भगवान कुशवाहा को लात मार, आप शकुनी चौधरी को लात मार, आप नागमणि को लात मार। आप कहते तो हैं कि कुशवाहा हमारी बपोती है, कुशवाहा समाज के भीतर क्या नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है? क्या उसके भीतर एक लीडरशिप नहीं? यही हाल महागठबंधन में। आपको उपेंद्र कुशवाहा जी क्यों पसंद नहीं आए? दो मुद्दा था जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी का, कि आप मुख्यमंत्री का चुनाव चुनाव के बाद विधायक दल के द्वारा करें, और दूसरा था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लें। तो आपको दो मुद्दे पर भी जब इतने बड़े अहंकारियों को आदत नहीं थी तो आपने एक अच्छे लीडर को आप लात मारे। और ये नीतीश जी वही हैं जिन्होंने जीतन राम मांझी को अकेला पप्पू यादव सपोर्ट के लिए खड़ा था और ये दोनों भाई मिल करके उनका वध किया था, संभुक वध किया था। मुझे नहीं जानकारी जीतन राम मांझी जी मेरे बुजुर्ग हैं, हालात और परिस्थितियां का रही मुझको नहीं जाना। अब हमारे जो सबसे बड़े सरसक के हीरो थे बिहार में, रामविलास पासवान, मैं उसको पिता के रूप में आदर करता हूं, हमारा पारिवारिक रिश्ता है। जब नीतीश कुमार से पूछा गया कि रामविलास जी बीमार है तो कहते हैं कि मुझको तो जानकारी नहीं, शरद की जानकारी इनको थी, रामविलास जी की जानकारी पीएम को थी, वेंटिलेटर पर थे। इतना अपमान, क्या आप दलितों को हिंदुस्तान में परजीवी समझते हो? 100 में 90 हमारा तो 90 में 19 दलित नहीं, 90 में 21 अत्यंत पिछड़ा नहीं, क्या 90 में सिर्फ कुर्मी और जाधव? कुशवाहा नहीं, दलित नहीं, अत्यंत पिछड़ा नहीं, आप सबको ले चलो ना, ऊंची जात के लोग नहीं, सब हैं। हम पहला आदमी थे जिसमें लालू जी को कहे थे कि रघुवंश बाबू को मुख्यमंत्री बनाओ, सिंगल आदमी। तब तो सबसे ज्यादा गाली नीतीश कुमार ने दिया था ब्रह्म बाबा का के रघुवंश बाबू, तो आज उनको कभी ऐश्वर्या, कभी सुशांत, कभी भारत के संविधान को गला घोटने वाला हरिवंश, तो कभी जिसका अपमान किया रघुवंश बाबू यादव, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप लगातार अपमान कर रहे हो।
और मैं लगातार स्वागत करने के लिए बैठा हूं। ये बिहार की स्वाभाविक ताकत बनी है और ये बिहार के लिए आए हैं, न कि अपनी पार्टी के। बिहार कैसे बचेगा, ये गंभीर चिंता मंच पर बैठे नेताओं की है। खाद वाले लोग हैं, राजनीति यहां करने वाले कोई नहीं है। ये सब के सब सामाजिक बदलाव के लीडर हैं और हम लोगों ने बहुत क्लियर है, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हम स्वागत करेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी का, चिराग पासवान जी का, सब लोग आए, और हम स्वागत करेंगे कांग्रेस का। क्या बात, ये हमारा जो गठबंधन है, जब बिहार बचाना चाहता है तो स्वागत में कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा का पूरा रास्ता क्लियर है। कोई सत्ता की लड़ाई एनडीए और यूपीए के लिए नहीं है। नीतीश आज यदि पैर पकड़ रहे हैं किसी का तो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। यदि नीतीश को हैसियत होती तो अकेले लड़के दिखाते। और इस बीच में बीजेपी सबसे बड़ा शिखंडी का रोल अदा कर, बीजेपी ने दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के जीतन राम मांझी को निकलवाया, उपेंद्र कुशवाहा को बेइज्जत किया, अब कांग्रेस को बेइज्जत कर रही है, उसमें बीजेपी की भूमिका। और रामविलास पासवान जी और नीतीश कुमार जी के बीच भी बीजेपी की ही भूमिका। मतलब बीजेपी गुजराती भाइयों का सम्मान नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी गुजरात में चुन चुन के इनके मिनिस्टर ने बिहारियों को पीट के बाहर बिहार भेजा था, चुन चुन कर। कोई बिहारी नहीं था जो मारे नहीं गए थे इन्हीं की सरकार के मिनिस्टर, और आज उनके ही फेस पर बीजेपी चाहती है लड़ना। मतलब बिहारी कोई फेस नहीं होगा, गुजरात का फेस होगा, बिहारी और बिहार का बेटा ही बिहार का नेतृत्व करेगा। इसीलिए आज हमारे नेता चंद्रशेखर जी ने, सरफुद्दीन साहब ने और पीछे बैठे जितने नेता, उन्होंने एक जिम्मेदारी इस पीडीए की लीडरशिप के रूप में एक साधारण वर्कर को दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूं दो दिनों के अंदर आपको इससे और भी हमारा गठबंधन, हम चाहेंगे जसवंत सिन्हा साहब से भी हम कहा कि सब लोग आए, बिहार बचाना चाहते हैं तो हम सबके साथ, और जो मेरे गठबंधन की राय होगी बिहार के हित में वो काम करेंगे। हम स्वागत करते हैं कि अब महाभारत का गगन फूट चुका है, 30 साल का महापाप और कुकर्म, बिहारियों को आत्महत्या करने पर मजबूर करने वाला दो गठबंधन, 1,44,000 यूथ आत्महत्या किया है जिसमें सबसे अत्यधिक बिहार है, और इस पर कोई चर्चा बहस भारत सरकार के इंडेक्स पर है, कोई चर्चा नहीं है। इसीलिए अब पहले बिहार और बिहारी, फिर कुछ होगा। इस निर्णय के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। ये गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन है और यही संकल्प के साथ विकल्प है, ये कोई तीसरा मोर्चा नहीं होगा, और इसमें सभी लोग आएंगे। फिर आपको दो दिनों के बाद एक व्यापक हम लड़ेंगे लीडरशिप के रूप, याद रखिए, हमारा चेहरा होगा इस गठबंधन का, और वो आपको दो तीन दिनों के अंदर पता चलेगा। बस आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। आप सबको कुछ पूछना, आप सब पूछ सकते हैं, एक मिनट, एक एक करके सर, एक एक करके।
आप जो बोलते हैं कि नीतीश कुमार को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, सबको बोलते हैं अकेले, आप क्यों नहीं अकेले लड़ रहे, क्यों गठबंधन करना पड़ा आपको, अपने आप पर भरोसा नहीं है? सर मैं एक बात बोलूं, नीतीश कुमार ये कहते हैं कि मेरे सामने कोई नहीं, और वो खुद ही ऐश्वर्या का सहारा लेते हैं, रामलखन सिंह जी के पोते का सहारा लेते हैं, खुद ही वो रघुवंश बाबू का सहारा लेते हैं, लाश पर राजनीति करने की फितरत नीतीश बाबू की है। जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को सदन में राज्यसभा में पहली बार आजाद हिंदुस्तान के बाद वोटिंग का राइट नहीं लिया, और उसको भी तो नीतीश कुमार बताएंगे ना कि गुजरात में बिहारियों को क्या हुआ था, राजस्थान में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में क्या हुआ था, और कोरोना वायरस में बिहारियों को कितना पीटा गया था, इनको याद आ जाता है सुशांत और लोग, और लेकिन नीतीश कुमार जी को सड़कों पर पीट पीट करके दिल्ली और गुजरात से बिहारियों को भेजा गया ये याद नहीं आता है? इतनी बेशर्मी भी कोई चीज होती है क्या? राजनीति के लिए इतना गंदा खेल खेलते हैं तो सत्ता में 15 साल वो न रहे हैं, हम नहीं ना, हमारा भरोसा जनता के साथ है, और जनता का गठबंधन हो चुका है इस गठबंधन से। ये संघर्षशील लोग हैं, ये संघर्षशील लोग हैं, और एक संघर्षशील व्यक्तित्व का यहाँ जमवाड़ा है, सत्ता के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं। एक मिनट मैडम, आप बताए यही प्रश्न, सेम क्वेश्चन, हम ला नहीं रहे हैं, बातचीत हुई है ना सर, सबसे बातचीत हो रही है और होगी, और भी बड़ा गठबंधन होगा। भैया क्यों आप उसकी वक्त भी ज्योतिष के तरह दे, सर उपेंद्र जी हमारे अच्छे लीडर हैं, भाई हैं, और मैंने उनको कहा है कि उपेंद्र जी नीतीश कुमार जी जो बहुत ही समझते हैं हर चीजों को, और यूपीए आइए, उपेंद्र जी के साथ हमारा पूरा गठबंधन खड़ा है, डेली बातचीत हो रही है, डेली बातचीत हो रही है, अभी भी बातचीत हुई, नहीं आश्वासन की चिंता मत करिए, हम स्वागत करेंगे बिहार के जी, सीधे का स्पष्टीकरण हम सब के बीच हो चुका है, आप चिंता ना, आप ये बताइए सर का विकल्प बनने की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं एनडीए यूपीए की विकल्प बनेंगे और कांग्रेस को आमंत्रण भी दे रहे हैं, तो फिर कैसे? तो कांग्रेस को आमंत्रण दे रहे हैं कि जो अपने को यूपीए कह रहा है और बेइज्जत कर रहा है, तो मैंने यह कहा ना कि कांग्रेस यदि आगे और बेइज्जत नहीं होना चाहिए तो मेरा दिल उनके लिए भी बड़ा है, मैं ये बोला ना आपको, काय का किंग मेकर भैया, मैं तो बिहार का सबसे बड़ा सेवक हूँ, अब पॉजिटिव लोगों से मिलते मिलते मर नहीं रहा हूँ, इसी की चिंता है मुझे, यदि जो मरने से ना घबराए उसको किंग मेकर का है, किंग मेकर तो यहाँ बैठे हैं लोग, पप्पू यादव जैसे वर्कर को किंग मेकर क्यों बनाते हो भैया? बिहार का बड़ा बेटा है किंग मेकर नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है, देखिए उपेंद्र बाबू क्या बोल रहे हैं, आप उपेंद्र बाबू का मीडिया से ले लीजिए, मैं इतना जानता हूं कि उपेंद्र बाबू अच्छे लीडर हैं, मैं स्वागत करूं, जी चंद्रशेखर भाई आप अपने इस गठबंधन का हिस्सा बनना आपने क्यों चाहा, आप क्यों इसमें शामिल हैं, आपके क्या इसका कारण था, उत्तर प्रदेश से बिहार पर अपना फोकस बढ़ाया? देखिए सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में जहां भी परेशानी होगी और जहां भी न्याय, सामाजिक न्याय की, परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जाएगी, वहां चंद्रशेखर हमेशा ही रहते। कल मैं उत्तर प्रदेश में था, आज मैं यहाँ हूँ, मैं दिल्ली में अक्सर रहता हूँ, मैंने वो दर्द देखा जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ तो जो मजदूर तबका वहां परेशान था सड़कों पर, जिसके लिए किसी के पास ना, सिर्फ सरकार के पास तो व्यवस्था नहीं थी, जिस सरकार की बात हम लोग कर रहे हैं, इन्होंने तो बस मना कर दिया कि बसें भी नहीं हमारे पास, वो तड़प रहे थे रोटी के लिए, छत के लिए, घर आने के लिए, अपने बच्चों को
पास पहुंचने के लिए, उनका हमराही कोई नहीं था। मुझे एक व्यक्ति नजर आ रहा था बिहार में जो उनकी मदद कर रहा था। ये सामाजिक लोग गठबंधन है जिनके दिलों में दर्द है, जो बिहार को वास्तविकता में परिवर्तन की ओर ले जाना चाहते हैं। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि ये और बड़ा हो, क्योंकि मेरा काम जोड़ना, मैं इसे और बड़ा करूंगा जिससे कि हम यहाँ सांप्रदायिक ताकतों को रोक सकें, जो राष्ट्र के नाम पे, धर्म के नाम पे हमेशा चलते हैं, उनको रोक सकें। तो मैं यहाँ इसलिए हूँ कि हम लोग बिहार को मजबूत बिहार बना सकें, खुशहाल बिहार बना सकें, जो तमाम समस्याएं हैं यहाँ और हमारे एजेंडे, हम अपने एजेंडों की वजह से यहाँ, बहुजन समाज की वजह से यहाँ है। हम यहाँ इसलिए हैं कि शोषित वंचित समाज के लोगों को उनके अधिकार मिले। जो लोग अहंकार में, हमने सभी लोगों ने निमंत्रण भेजा है और हमने पहल की थी। मैंने खुद कहा था कि भाजपा को रोकने के लिए किसी की मदद लेनी पड़े या किसी को मदद देनी पड़े। कुछ लोग अहंकार में बैठे हैं, उनको नहीं पता कि जनता नेता तय करती है। जनता वो होता है, आज का समाज नेता उसे मानता है जो उनके बीच में रहता है, जिनसे वो किसी भी समय मिल सके, जिसे अपना दुख दर्द कह सके। और VIP सिक्योरिटी वाले मुझे नहीं लगता है कि गरीबों की आवाज को सुन पाए। धन्यवाद। लेकिन चंद्रशेखर जी, एक सवाल, कि आप जहां जहां जाते हैं जातीय संघर्ष होते हैं, अक्सर ये आपके ऊपर आरोप लगते रहे। जरा आर भारत जी, मेरा आग्रह है, देखिए मैं वहां जाता हूँ जहाँ जाति के नाम से हमारे लोगों पर अत्याचार किया जाता। मैं कल गया था हाथरस, आप बयां कर पाएंगे? आर भारत ने तो नहीं दिखाया। एक बच्चे की जीभ काट ली गई, उसका रेप हुआ, उसके दोनों हाथ पैर तोड़ दिए गए, उसकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर कर दी गई, वो 14 दिन से हॉस्पिटल में है, ना किसी महिला आयोग ने संज्ञान लिया। कल मेरे जाने के बाद कम से कम मैं इसलिए चला जाता कि न्यूज वाले जो संज्ञान लेते हैं और अपराधियों को सजा मिलना जो है आसान हो जाता है। मैं जहां जाता हूं इसलिए जाता हूं कि इस देश में रहने वाले 19-20% दलितों की भी कहीं बात हो जाए। मैं यहाँ भी इसलिए हूँ कि मैंने इनसे वादा लिया है कि यहाँ भी जातीय अत्याचार पे हम लोग पाबंदी लगाएंगे। मैंने, मेरी सबसे पहली मांग ये है कि अगर यहाँ किसी भी अत्याचार तो किसी पे भी नहीं होना चाहिए। अगर जिस वर्ग से मैं आता हूँ, दलित समाज, किसी जाति पे अत्याचार होगा, किसी मुसलमान पे, बैकवर्ड किसी भाई पे, किसी महिला पे अत्याचार होगा, तो हम लोग AC के कमरों में नहीं सोएंगे, सड़क पे निकल के जवाब देंगे। और हम लोग सत्ता में होंगे तो ऐसा दिन नहीं आएगा। धन्यवाद। सवाल ये है कि NDA हो चाहे महागठबंधन हो, दोनों जगह सीट श्रेणी को लेकर विवाद चल रहा है। सर, PDA में क्या है सीट श्रेणी का? सर, क्योंकि दो दिन बचे हुए हैं। कोई आप भैया, कोई आप चिंता ना करिए, जहाँ पर सत्ता और कुर्सी का लड़ाई ही नहीं है। अब घोषणा होगी सर, ये भैया जो लोग सत्ता में हैं उनसे पूछिए कब घोषणा होगी। हमारी घोषणा हो गई और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कहीं भी चंद्रशेखर जी इस देश के, इनकी पार्टी और ये खुद वहां गए हैं जहां जुल्म हुए हैं, ये जुल्म के खिलाफ गए हैं, जुल्म किए नहीं हैं, ये प्रतीक है जुल्म के खिलाफ। जुल्म तो सत्ता बैठे लोग करते हैं, इसलिए ये जाति व्यवस्था पर हमला इनका नहीं होता, ये जुल्म पर हमला होता। और किसी को कुछ पूछना? सर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर अक्षर सर पहले ही मैंने कहा है कि मेरा एक मैनिफेस्टो हिंदुस्तान के इतिहास में 30 साल बनाम 3 साल प्रतिज्ञा पत्र शपथ पत्र के साथ आया हो। अब PDA का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, जैसे इन्होंने कहा कि कोई जुल्म होगा तो हम सड़कों पर होंगे, सत्ता में आएंगे तो नहीं होगा। तो यही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, यही बिंदु होता है सभी का। आ चुका सब, आ चुका है। तो आपने क्या देखा? UPA पर हम नहीं बोले कि BJP क्या करा रही है कुशवाहा जी और माझी जी को। भैया, राजद एक अच्छा नेतृत्व के साथ आता है तो क्या दिक्कत है हमको? कहां हम किसी से अपना नहीं तोड़ते हैं यार, आप चिंता ना करिए। एक मिनट, एक मिनट, आप रुक जाइए एक मिनट, पंजाब केसरी जी एक मिनट रुक जाए।
आप पूछे क्या आपकी पार्टी से मुसलमानों की पार्टी और दूसरी दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इस पर हमेशा एंटी नेशनल होने का एग्जाम लगातार। देखिए मैं एलजीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम के फैज जी की तरफ से और एलजीपीआई की तरफ से यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ। सवाल ये है कि ये सिर्फ क्या मुसलमानों की पार्टी है? अगर मुसलमानों की बनाई हुई पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी होती है तो एलजीपीआई को आप मुसलमानों की पार्टी कहते हैं। एलजी मुसलमानों की लीडरशिप से कोई पार्टी नहीं होती, वरना सिर्फ लालू प्रसाद की यादव की पार्टी होती। हमारे लीडर यहाँ पर बैठे हुए हैं जो हमने चुना हुआ है कि ये पप्पू यादव साहब हमारे लीडर होंगे। तो अगर मुसलमानों की पार्टी है तो भी हम जम कर रहे हैं उस शिनाख में जो सबकी पार्टियां या चंद्रशेखर साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पे मातंग साहब हमारे साथ हैं और ये शुरुआत है एक ऐसे मूवमेंट की जो बिहार बचाओ से शुरू होगा और देश बचाओ तक जाएगा। क्योंकि बिहार में हमने जो मजबूर वोटर देखा है उसको हम आजाद और प्रतिष्ठावान बनाना चाहते हैं, इसलिए हम इसमें आए हैं। और हम देशभक्त हैं तो इस बात के लिए हमें कोई भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम संघर्ष की पार्टी है और कमजोरों को और उन लोगों को जिनको एहसास नहीं मिल रहा, उनके दलित भी हैं, बैकवर्ड भी हैं, कमजोर सारे तबका है, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो हमारे ऊपर इल्जाम लगे कि हम देशद्रोही हैं तो लगाने दीजिए, हम अपना काम करते रहेंगे और हम इसी तरह से गठबंधन बना के लोगों को के साथ। जो आज ये पार्टी ये जो गठबंधन है इसमें किसी तरह का भी कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, एक तरह से सोचने वाले लोग एक साथ आए हैं जो किसी दूसरे गठबंधन में नहीं है, इसलिए ये गठबंधन बहुत दूर जाएगा। आज तो लॉन्चिंग इवेंट है इसकी, ये जाता चला जाएगा और एक्सपेंशन बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, एसडीपीआई के साथ समझौता बीएसपी का कर्नाटक में, जेडीएस का देवगोरा जी का कर्नाटक में, केरल कांग्रेस बेंगलोर में, एआईडीएमके तमिलनाडु में और सपा का केरल में, इनका गठबंधन है और न्याय से संविधान बचाने वाली एक शख्सियत। चलिए बिहार में दलितों का मांग है, एक रामविलास पासवान नेता था जिन्होंने ठग लिया दलितों को, जिनका नाम मानी वैसे निकला, आप जो है क्या करेंगे दलितों के लिए? देखिए ये सवाल दलितों से जरूर पूछा जाता है, कभी किसी बीजेपी कांग्रेस के नेताओं से पूछ के दीजिए, शायद आपके उनके शब्द बिगड़ जाए। मेरे तो सीधा कहना है कि मैं करने पे भरोसा रखता हूँ, कहने में नहीं। पहली बात तो जैसा पप्पू जी ने कहा कि हम दिल बड़ा करके सबको आमंत्रण देते हैं कि सब आए, अगर बात बिहार बचाने की, और अगर अपनी व्यक्तिगत कुर्सी आगे बढ़ाने की उसको बचाने की बात है तो फिर चाहे अपने बारे में सोचे। दूसरी बात, दलितों को इस देश में जाति धर्म से ऊपर उठ के अधिकार चाहिए और अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। जिस तरह के अत्याचार दलितों पे होते हैं हमें उससे मुक्ति चाहिए। और हमारा मुद्दा है आरक्षण का, जो सिर्फ दलितों के लिए नहीं, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए भी है, जाति का जनगणना हो और संख्या के आधार पर आरक्षण घोषित हो, जिससे कि दलित भी देश में सम्मान का जीवन जो है यापन कर सके। तो अब जो मुद्दे हैं वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आपको बताए जाएंगे और करने को तो हमने करके दिखाया कि आज जय भीम का नारा और नीला झंडा जो है बिहार में भी जब बिहार बंद बुलाया जाता है तो बहुत मजबूती से जो है बोलता नजर आता है। धन्यवाद। ये जिसको कोरोना से खौफ ना हो उसको दुनिया में किससे खौफ होगा? सर मैं एक बात बताऊं, जो भी व्यक्ति बिहार बचाने में आएंगे उनका स्वागत है, मुझे कोई मतलब किसी से कोई गिला शिकवा आपत्ति नहीं है, आरएसएस से आपको आपत्ति नहीं है तो मुझको ओबीसी से क्या आपत्ति? स्वागत सब लोग। मैं कहां जाएगी मुझे नहीं मतलब, अभी जो है उस पे बात करिए, हम ज्योतिष नहीं है इन लोगों की तरह, लेकिन बिहार बचाने में कोई कमी नहीं रखेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैंने फिर अंतिम में मैं कह के अपनी बात समाप्त करता हूं, आपका खाना है कि मैं उपेंद्र कुशवाहा जी, मैं चिराग पासवान जी से आग्रह करूंगा कि आप लीडर बने, आप परजीवी दलित को ना बनाएं,
और ना ही कुशवाहा को परजीवी बनाए। धन्यवाद, नमस्कार। सर 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 सर, 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 सर।